और अनुभवी है, लेकिन फिर भी जो आवेश है हमारा जो सेशन था बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि हम सभी अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। और सच तो ये है कि हम अनुभवों से सीख भी रहे हैं कि जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं उनमें हम क्या डिसीजन लेते हैं, हम किस तरीके से काम करते हैं, वो एक अपना अलग एक्सपीरियंस होता है। कई बार हम पढ़ते कुछ है लेकिन धरातल पर उसको जब हम करने जाते हैं वो परिस्थितियों के हिसाब से हमें बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। लेकिन कल हमें बहुत सारी बातें, सबसे पहले श्री रामजीत सर ने बताई जो वास्तव में ODMS से संबंधित कि किस तरीके से हम रिवाइज टू पेंशन केसेस को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जो भी पेंशन केसेस हैं उनकी तैयारी किस तरीके से करें, उनका स्टेटस कैसे देखें और सर्विस उनसे रिलेटेड भी बहुत सारी छोटी छोटी माइनर बातें जो शायद हम अनभी के अभी बातों से, उन बातों के बारे में रामजीत सर ने हमें बहुत ही गहनता से समझाया भी और बताया भी। और निस्संदेह वो हमारे क्षेत्र के बहुत ही एक्सपर्ट हैं इस एरिया के, इस फील्ड के, तो उन्होंने अपनी बहुत सारी बातें हमें जो बताई उनसे हमें बेहद लाभ मिला। दूसरा जो हमारा सेशन था श्री नरेंद्र जी ने दिया और NEP 2020 जो कि अभी लागू होने जा रही है उसके बारे में हमें बहुत सारी डिटेल में जो भी बातें थी 5+3+3+4 के बारे में है या जो क्वेश्चन बैंक उन्होंने हमें दिया था उसके बारे में भी बताया था, 4 पिलर्स कौन से उनके बारे में भी बताया था। लेकिन एक मैं कहना चाहूंगी, कल सर ने कहा था कि क्वेश्चन बैंक और उनके आंसर भी आपको भेजेंगे, तो वो शायद नहीं भेजी है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आज वो उसे जरूर डाल दें ताकि हम उसका पूरा फायदा उठा सकें। इसके अलावा बात का जो लास्ट सेशन था हमारा वो डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी ने दिया, रिटायर्ड CPO रहे हैं और उन्होंने विजन और मिशन पर बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। तो वास्तव में उनके जो धरातल पर एक्सपीरियंस थे वो उन्होंने हमें बताए और हमारे साथ शेयर किए, तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि जब भी कभी इस तरह की परिस्थितियां होती तो हम कब क्या डिसीजन लें, उससे हमें बहुत सारा फायदा मिला कि वास्तव